है, मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिलीवर पाकिस्तान। सोनी की फैक्ट्री भी कराची में ही है। वैसे आपको क्या लगता है कि इस इंडिया में सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज कहाँ पे है, जरा कमेंट में बताना। लग रहा पानी ज्यादा हो गया। बना एक ही लेकर तीन का पानी डाला है, ट्राई कर लेते हैं। इतना कुछ खास मजा नहीं आया यार, एकदम छोटे छोटे फ्रेंचाइज लग रहे थे। ट्राई कर लेते हैं। ओ भाई मजा आ गया सर। बच्चों का मन भर गया पाकिस्तान के प्रोडक्ट से। ये वाली चॉकलेट खा के बताओ। तो ये चॉकलेट है स्विट्जरलैंड वाली, ये बताओ ये कैसी लगी। अबे रुक जा। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रिएक्ट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों जो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं वो है भाई इंडियन जो है पाकिस्तानी स्नैक्स और जो पाकिस्तानी और भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्राई किया है, तो भाई उसका कैसा रिव्यू है क्या है, तो आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो भाई अब आप लोग सोचोगे कि भाई पाकिस्तान का प्रोडक्ट इंडिया में आया कैसे, तो वो भाई इस वीडियो में पूरी बताएंगे कहानी की कैसे वो प्रोडक्ट जो है इंडिया में लेके आए हैं। तो उसको उन्होंने ट्राई किया है, हर चीज़ टेस्ट करके यूज़ करके देखा है कि उसमें क्या क्वालिटी है क्या खासियत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो देखने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। वाले हैं उनकी कुछ फेमस प्रोडक्ट्स। आई नो गाइस कि आप लोग सोच रहे हो कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हम इंडिया में लाए कैसे, क्योंकि इंडिया में तो पाकिस्तान से डायरेक्टली डिलीवरी तो नहीं होती है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पहले दुबई में थे और दुबई में टूरिज्म बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे ना अलग अलग कंट्रीज के ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं। इंडिया का पूरा ग्रोसरी स्टोर अलग होता है, और ऐसे ही वहाँ पे पाकिस्तान का भी ग्रोसरी स्टोर था, वहाँ पे ऑथेंटिक पाकिस्तान से आए हुए प्रोडक्ट्स थे, तो हम लोगों ने वहाँ से ही एक एक चीज पिक की है। तो चलो अब देखते हैं पड़ोसी मुल्क में क्या चल रहा है। ओके तो गाइस हमारे घर में इंडिया में जैसे डिटॉल सिंथॉल लाइफबॉय चलता है, वैसे ही पाकिस्तान में गाइस मेजरली ना ये ब्रांड चलता है गोल्डन पर्ल, और यही जहां तक के सारे स्किन केयर के सामान बनाते हैं। जैसे कि आप लोग देखोगे ना यहाँ पे मेरे पास है उनका परफ्यूम सोप और ये फेस वॉश। एंड भाई अगर आप पीछे देखोगे ना यहाँ पे सब में लाहौर पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग है, मेड इन पाकिस्तान। ओ भाई ये कंगना रनौत है क्या? नहीं नहीं कोई और है गाइस। ओहो ट्राई कर लेते हैं भाई, लड़कियों का तो नहीं है। यूनिसेक्स होगा गाइस, यूनिसेक्स होगा। खुशबू तो बढ़िया लग रही है भाई। भाई लेकिन लड़कियों का ही है परफ्यूम, ये हैं गलत प्रोडक्ट आ गया गाइस। तो गाइस ये सोप भी निकाल लेते हैं, तो डायरेक्टली आ गया अंदर। भाई देखो मतलब फिनिशिंग इतनी कुछ खास है नहीं, मतलब और अच्छे से बना सकते थे। टूट तो नहीं रहा यार, तोड़ना क्यों है और करूँ क्या फिर नहाने बैठे। ये बना है भाई विद पी एक्सट्रैक्ट। पी देखो पी भाई, ये अली पी है, कोई और पी ना समझ ले। इसका डिजाइन बहुत ज्यादा गार्नियर जैसा नहीं दिखता, एकदम सेम ही लग रहा है। हरे का नीला भाई एक चीज तो समझ में आ गई, इनके सारे प्रोडक्ट्स में ना खुशबू बहुत भर भर के है। भाई आके जल रही है क्या भाई, चमका क्या थोड़ा? हाँ वैसे इतना कुछ खास मजा नहीं आया गाइस लगा के। अपना मामार्थी अच्छा है, स्पॉन्सर नहीं किया इसलिए आगे नहीं बताऊंगा। तो गाइस जब हम लोग दुबई में थे वो पाकिस्तानी स्टोर के अंदर, तब हमें वहाँ पे थोड़े अलग टाइप के क्रिकेट बैट्स भी देखे। ये पाकिस्तानी बैट्स गाइस थोड़े मंगूस बैट जैसे लग रहे थे, जिसमें ये हैंडल लंबा रहता है बट ब्लेड छोटा रहता है। एक चीज नोटिस करो, जो पाकिस्तान में बैट्स बन रहे हैं उनके हैंडल्स काफी बड़े हैं। ये देखो ऐसे हैंडल्स इतने लंबे लंबे बैट के ना मिलते नहीं जल्दी। इंडिया में जो बैट्स बनते हैं ना उसके जो हैंडल रहता है वो इतना लंबा नहीं रहता, होल्डिंग ग्रिप के लिए भी ज्यादा है ये। और ये साइड के होल्स वाला बैट तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, अलग ही अलग बैट्स है। लेकिन गाइस अभी मैं ये इंडियन बैट नोटिस कर रहा हूँ ना, तो इसके हैंडल में काफी डिफरेंस है, एंड हैंडल में भी साइज डिफरेंस है। और गाइस अभी क्रिकेट का सीजन चल ही रहा है, गाइस जैसे इंडिया में चलता है लेज बालाजी हल्दीराम, और पाकिस्तान में क्या चलता है ये वाह वाह ताज, नहीं ताज तो इंडिया के पास है। और हम लोगों ने दोनों ही बेस्ट सेलर ले लिए। तो मेरे पास है यहाँ पे गाइस गार्लिक मेयो, और यहाँ पे है हमारे पास कराची मिक्स। कराची से क्या मिक्स हो गया है, चलो ये नहीं। ओ भाई कुछ तो अलग ही लग रहा है, चलो ट्राई करते हैं। बढ़िया, लाओ जरा हम भी टेस्ट करें फिर। खाने की बात हो तेजस ना है। भाई देखो हर एक टाइप की चीज डाल दी है, मूंगफली हरा चना लाल चना, नाइस ओके। इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो भाई ये देखो ऐसा लग रहा है फ्रेंच फ्राइज एकदम छोटे करके डाल दिए, एकदम छोटे छोटे फ्रेंच फ्राइज लग रहे थे। ट्राई कर लेते हैं। ओ भाई मजा आ गया सर, अलग ही लग रहे, समझ में नहीं आ रहा, रुको दो चार खाके पता चलेगा। अरे दो चार खाने, चार लेके जाओ बस। और गाइस ये दोनों चीजें बनी है कराची में। और गाइस जब खाना चल रहा तो ड्रिंक्स की भी बात कर लेते हैं। तो गाइस हम लोगों को दो ड्रिंक्स मिली, और एक का नाम है गाइस पकोला और दूसरे का नाम है एप्पल साइडर, नहीं एप्पल सिद्रा। ओके लेट्स सी, ये तो पूरा हरा हरा है, पाकिस्तान में सब हरा ही बनाते हैं क्या? ओ ये तो फिश जैसा निकल गया, कुछ ज्यादा ही छींटे आ रहे थे। चलो आओ भाई भगवान के नाम का ट्राई कर लेते हैं। ये तो शरबत जैसा है, वैसा खसखस शरबत है ना।
भाई यार इससे काफी बेटर है अपनी एप्पी फिज, इसमें मजा नहीं आया ड्रिंक में। कैसा है? स्वीट भी नहीं लग रहा, एप्पी में तो प्रीमियम लगता है थोड़ा सा, ये कुछ भी नहीं लग रहा है। ये क्या है? हल्का ड्रिंक। हाँ इन्होंने ट्राई किया लाइट लाइट इसको, आइसक्रीम थोड़ा वाला है। ओहो, सुबह की चाय का मजा ही अलग है, ऐसे पानी है। लेकिन चाय तो आज जरूर पीकर रहेंगे, तो हमारे पास है पाकिस्तान से आई हुई दो चाय। फर्स्ट है कार्डेमोम यानी कि इलायची चाय, और दूसरी है कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय पूरी पिंक कलर की है, और ये ना नेस्ले की है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इन पे ना दोनों पे नेस्ले की ब्रांडिंग है, और बैक साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो कंपनी लिखी है नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, ये पाकिस्तानी रुपीज में 50 रुपए की है। पानी डालते हैं और ये हमारी चाय हो जाएगी रेडी। अरे ये क्या तो पूरी पिंक चाय बनी है भाई, गुलाबी आंखें। पहले तो भाई नॉर्मल इलायची चाय पी लेता हूँ मैं। भाई बढ़िया है, स्वाद तो है भाई। चाय गाइस बहुत बढ़िया है अली नेस्ले की। अब भाई मोमेंट ऑफ ट्रुथ, ऐसी पिंक चाय, इसमें इतना मजा नहीं आया, थोड़ी अलग टाइप की है, लेकिन इसमें ना खुशबू बहुत ज्यादा है। और गाइस इसमें मीठापन काफी कम है, इसमें ना ऐसे रोज सिनेमन ये सारे चीजों का ना बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है, लेकिन भाई मेरे को मजा तो इसमें ही आया। वैसे तो नेस्ले ना ही इंडिया की है ना ही पाकिस्तान की है, ये स्विस बेस्ड कंपनी है, तो हर कंट्री के हिसाब से शायद इन्होंने अलग अलग फ्लेवर लॉन्च कर रखे है। ओके ये लो गाइस चाय पी लो। ये रोबजा खा लेके आ रहे हैं, रोबजा ही है, इसको नहीं मिलेगी भाई। गाइस इंडिया में हम सबकी एक चहेती चीज है, जैसे हम लोग रात के 3 बजे भी खाते हैं, पहाड़ों पे ठंड लगे तो जरूर खाते हैं, और हॉस्टल वाले लोग तो सर्वाइव ही इसी पे कर रहे हैं, जिसे कहते हैं गाइस मैगी। अब देखो पाकिस्तान में मैगी तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे और भी सामान है, तो वहाँ पे ना गाइस एक्चुअली हमने देखा नॉर चल रहा है। नॉर के हमारे इंडिया में शायद एक ही चीज फेमस हुई थी, वो सूप ही नूडल्स के, बट आई डोंट थिंक सूप के अलावा हम लोगों ने ऐसे नूडल्स वगैरह इतने खाए हैं। गाइस इन सब में से ना स्पाइसी टिक्का बढ़िया लग रहा है, चलो इसे बनाते हैं। तो आओ चलो बना लेते हैं। अरे नहीं कर चुका बहुत पहले ही। मसाला तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेट्स सी कि क्या होता है। बनने का वेट करूं? अरे नहीं थोड़ा सा हो गया, बाकी कर लेगा वो। अरे अभी एकदम नूडल्स भी ना ऐसे लगते एकदम मैगी जैसे रहे भाई। और गाइस ये देखो ये सारी चीजें ना कराची में बनी है, मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिलीवर पाकिस्तान, क्रोनी की फैक्ट्री भी कराची में ही है। वैसे आपको क्या लगता है गाइस इंडिया में सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज कहाँ पे है, जरा कमेंट में बताना। लग रहा पानी ज्यादा हो गया, बना एक ही लेकर 3 का पानी डाला है, ट्राई कर लेते हैं। इतना कुछ खास मजा नहीं आया यार। भाई कुछ भी बोलो भाई, अपनी मैगी जिंदाबाद। कोई अगर पाकिस्तान से वीडियो देखा है ना तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि यार हमारी मैगी ट्राई करो एक बार, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ओके अगली चीज है हमारे पास अगरबत्ती, जो कि है कराची मेड इंसेंस स्टिक। तो ये देखो गाइस कुछ ऐसी दिखती है, लेट्स ओपन इट, 3-in-1। अगरबत्ती में 3-in-1 क्या हो सकता है? अभी समझा 3-in-1 क्यों है। अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग कलर, अलग अलग खुशबू की। अरे कहना क्या चाहते हो? ये देखो आप लोगों को स्टिक्स मिल जाती है, खुशबू तो अच्छी आ रही है तीनों में से। तो गाइस ऑरेंज पिंक और ग्रीन तीनों को एक साथ जला लेते हैं और देखते हैं कैसी खुशबू आती है। दूर हट जाओ भाई, कैमरा जल जाएगा, देख लो पावरफुल है अपना लाइटर। ज्यादा ही हो गई गाइस खुशबू, लेकिन अच्छी तो है। नेक्स्ट चीज में बढ़ते हैं गाइस। चलो आओ गाइस देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क में बच्चों के लिए क्या क्या है। ये देखो एक बिस्किट है, ये देखो सुपर, तो यहाँ पे आप लोगों को 20 पाकिस्तानी रुपीज में मिल रहा है, और एक एक्स्ट्रा मिलता है पाकिस्तान के 20 रुपए, मतलब भाई इंडिया के 6 रुपए। ये देखो हाइडेंसी को पार्ले जी एक साथ मिक्स कर दिया भाई, ये तो बढ़िया लग रहा है, टेस्ट में भी ऐसे लग रहा है, हार्डलाइन के बीच में अचानक से पार्ले जी आ गया। गाइस जैसे इंडिया में सेंटर फ्रेश, पाकिस्तान में फ्रेश शॉप, तो ये वहां की च्युइंगम है भाई। देखो लगते एकदम सेंटर फ्रेश रही, टेस्ट में कैसी होगी, टेस्ट में भी सेंटर फ्रेश है। अरे ये क्या है, टॉफी का नाम ही है चूरन चटनी। नाम पे थोड़ा ध्यान दे सकते थे लग रहा है। गाइस अब खुद क्या ट्राई करेंगे, चलो आप बच्चों से पूछते हैं। तो यहाँ पे तुम लोगों के लिए कुछ चॉकलेट्स है, मैं थोड़ा टेस्ट करके बताओ कैसी लग रही है। ये पहले ये टॉफी खाओगी या चूरन चटनी, ये बताओ टॉफी कहाँ से आई है? पाकिस्तान से। चल झूठ, लो ये टॉफी कौन खाएगा। वो भाई सही लग रही है, कच्चा नंगोबट जैसा है, कॉपी तो नहीं कर लिया गाइस। तो गाइस ये पाकिस्तान में मिलती है लॉलीपॉप चोको पॉप, कैसी लग रही है? अच्छा है, बुरा भी बोल सकते हो तुम, सच में अच्छा लग रहा है। ठीक है ज्यादा पूछूंगा तो लोग बोलेंगे जबरदस्ती। भाई ये बिस्किट खा के बताओ, पाकिस्तान में फेमस है बिस्किट, ट्राई करके बताओ। सर ये चूरन चटनी कैसी है, मैं भी जरा एक बार ट्राई करूं। खट्टी है दादी, इससे अच्छा लग रहा है। शेप की तो एकदम ऐसी तैसी हो गई है भाई, ये देखो कैसे निकल रही है, रहने दो भाई, ये क्या है ये।
भाई कैसे खा ली तुमने? ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है। तो चुप के जा रही है भाई, ये बच्चे खा रहे हैं। इससे अच्छी है ना? पल्स बहुत अच्छा है। ये च्युइंगम बताओ मैं कैसे। तो ये है गाइस खाने के बाद खाने वाली चीज। पान। पान बोल रहे हो? ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट। ये बहुत पान खाते हैं। अरे इसमें तो दोनों चीजें खा ली, लॉलीपॉप भी खा रहा है, सॉफ्ट भी खा रहा है ये लोग। तो कैसा लगा भाई? ये तो मैंने तेज़ से देखा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लो टेस्ट कर लो। इंडिया का इससे ही अच्छा है। इंडिया का इससे अच्छा है? तो भाई बच्चों का जो कहना है वो सच है। एक्चुअली मुझे लगता है हमारे पास काफी ज्यादा वेरायटी है और क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी है। बिस्किट खा के बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा, इसको सब अच्छा ही लग रहा है। इंडिया की कोई चॉकलेट नहीं है इधर? इंडिया की चॉकलेट? इंडिया की चॉकलेट चाहिए क्या? तो गाइस लगता है बच्चों का मन भर गया पाकिस्तान के प्रोडक्ट से। ये वाली चॉकलेट खा के बताओ। तो ये चॉकलेट है गाइस स्विट्जरलैंड वाली, ये बताओ ये कैसी लगी? अबे रुक जा, भाई बाहुबली बनी क्या हुआ? टूट नहीं रही क्या अभी? अरे इसे चॉकलेट ही नहीं टूट रही। ठीक है, ये ठीक है? स्विट्जरलैंड की ठीक लगी? ठीक ठाक है, अच्छा है। कॉन्टेंट गाइस ये था आज का वीडियो। आप हमें जरा कमेंट में बताओ आप लोग कौन सी कंट्री के नेक्स्ट प्रोडक्ट्स देखना चाहते हो। आई एम गेसिंग जापान। और अगर आप लोग ऐसे वीडियोस पसंद, यार वैसे हम भी ट्राई कर सकते हैं ना, दुबई से अगर कोई आ रहा है तो। वैसे एक चीज और है, करतारपुर वहां पर तो मेरे ख्याल में चीजें लाने की परमिशन नहीं है ना, ऐसे ला नहीं सकते यार। लेकिन ये है कि उसके अलावा इंडिया से आ सकती है प्रोडक्ट्स, दुबई से ही आ सकती है। आप दुबई से आ रहा है तो इंडियन स्टोर पे जाओ, वहां से लो, बाय करो और ले आओ और फिर देखो कि कैसी है। मतलब इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने पाकिस्तान में होते हुए नहीं खाई। हाँ ड्रिंक्स दोनों नहीं पी मैंने, पकोला भी नहीं पी। पकोला नहीं पीता। कैसा टेस्ट है? जूस भी होता है ना, बादाम जूस। मतलब मैंने नहीं पकोला पीता। मोस्टली वो होता है ना ड्रिंक्स, वैसे भी मैं कम ही पीता हूँ, तो मैंने ज्यादातर वो जो मतलब रेगुलर ड्रिंक्स होती हैं, मतलब कोक पेप्सी यही ज्यादा यूज होती हैं, मोस्टली यही यूज होती हैं, मोस्टली यही। भी एक चीज जो है ना हकीकत है कि भाई हर जगह का जो है ना वो टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम करतारपुर गए थे तो जो हमारे फ्रेंड्स थे वो चॉकलेट्स लेकर आए थे, तो थोड़ा सा हमें डिफरेंट टेस्ट लगा था। बिल्कुल हाँ, वो कैडबरी की जो अमूल की थी, सॉरी हाँ अमूल कैडबरी की भी थी मेरे हाल में। कैडबरी की भी थी? नहीं अमूल की थी यार, सारी अमूल की थी। जो दो मैंने खाई थी वो व्हाइट वाली थी ना, वो हमें टेस्ट का डिफरेंट लगा। ब्लैक वाली भी अमूल की थी, ब्लैक वाली चॉकलेट वाली हो गई, एक दूध वाली थी एक चॉकलेट वाली थी। हाँ लेकिन थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट लगा था। हाँ बिल्कुल मौजम सही बात कर रहा है। और मुझे लगता है कि हर कंट्री में काफी डिफरेंट, बट मौजम मुझे एक बात बताओ, जो यूरोप से चीजें आती हैं वो क्यों नहीं हमें टेस्ट डिफरेंट लगता? यार नहीं होता है टेस्ट डिफरेंट। आप अगर कैडबरी, मतलब ये कि वो बहुत ही मजे की लगती है ये, इसमें भी लगती है। लेकिन आपको एक चीज मीठे का फर्क जो है वो देखने को मिलता है। जो पाकिस्तान में लोकल मेड चॉकलेट होती है ना वो काफी ज्यादा मीठी होती है, बिशो कैडबरी। और वही सेम अगर आप जो है ना इम्पोर्टेड रैपर वाली खाते हैं तो उसका टेस्ट जो है ना वो फर्क होता है। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, जो पाकिस्तान में प्रोडक्ट बनती है ना वो बहुत ज्यादा नकारा होती है। अच्छा एक बात और भी है, अगर बच्चों को अच्छी जो बाहर की बोर्ड की हुई चीजें लाके दो ना उनको वो पसंद नहीं आती, जो लोकल गंदी मंदी चीजें होती है ना वो बड़े शौक से खा रहे होते हैं। मुझे लगता है ये हर एक घर की कहानी है कि बच्चे ऐसे ही करते हैं, जो घटिया तरीन चीजें बनी होती है इसमें स्मेल भी आ रही होती है ना बच्चे वो खा रहे होते हैं। और बचपन में तो ऐसा भी होता था कि वो पापड़ आते थे उसको हम फिंगर्स पे लगा के हम करके खा लेते थे, बड़ा ही मजा आता था। है वो बचपन के दिन कितने अच्छे थे वो दिन, है ना ऐसे ही थे ना। लेकिन ये बात सच है पाकिस्तान में बाकी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन हम जो इंपोर्ट करवाते हैं ना, जैसे कोका कोला है पाकिस्तानी कोका कोला पी लो या यूए की जाके पिए तो यूए की बड़ी हल्की और बड़ा ही तस्कीन देती है। बेशक वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है लेकिन कहते हैं कि वहां की कोक जो है यूए की बड़ी ही एक आला क्वालिटी की है, पिए तो ये आप बिस्किट्स वगैरह पकड़ लो या फिर आप नूडल्स वगैरह पकड़ लो। और साबुन की क्वालिटी भी आपने देख ली थी, लेकिन वो वाला साबुन तो मैंने देखा ही नहीं अभी तक यहाँ पे। ब्यूटी सोप है ना वो, मैंने तो देखा हम लोग नहीं यूज करते। फिर वो एक क्या नाम था, कराची मिक्स एक थी, निम्को थी वो, निम्को वो भी नहीं अभी तक देखी हमने। फिर वो जो दो बोतलें थी पाकोला तो है, पाकोला तो वो कभी नहीं देखी हुई है, मैंने कभी नहीं देखी शॉप पे, सिंद्रा ने देखी पाकोला देखी हुई है। तो ये चीजें कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमने खुद भी नहीं देखी हुई, मतलब के
जो है ना प्रोडक्ट वगैरह। बाकी नो डाउट बिस्किट सुपर तो खाया हुआ है, सुपर बिस्किट तो खाया हुआ है। और एक जो वो था ना बिस्किट इंडिया का हाइड एंड सीक, हाँ वो पाकिस्तान में मिलता था कुछ टाइम पहले, एक दो साल पहले, पर अब कभी नहीं देखा उसको भी जो है ना। और वीडियो तो काफी अच्छी थी यार, मतलब अच्छा लगा देख के यार। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो है इन्होंने टेस्ट की और उनको पसंद भी आई, कुछ नहीं भी पसंद आई, और लेकिन फर्स्ट टाइम ट्राई की है तो उनको अच्छा ही लगा। और बच्चों से भी उन्होंने स्पेशली जो है वो टेस्ट करवाई है और उनसे भी उनके रिमार्क्स पूछे। हमारे यहां की चीजें वैसे बहुत मजे की होती है, मजे की। लेकिन ये की आप किसी दूसरी कंट्री की चीज पहली बार टेस्ट करो तो आपको एक थोड़ा सा टेस्ट चेंज आता है, मजा आता है। मैं भी यही सोच रहा था की अगर हमें भी कोई ऐसा मौका मिले हम भी इंडिया के लिए अच्छा, हम कोई ऐसी वीडियो करेंगे अगर हमें प्रोडक्ट्स इंडिया की मिलती हैं तो हम उस पर एक वीडियो जरूर करेंगे, और हम भी जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्राई करने की कोशिश करेंगे अगर हमें यहाँ से मिल जाती हैं तो, कोशिश जरूर करेंगे कि हमें मिल जाए, और अगर नहीं मिली तो फिर ऑब्वियसली फिर नहीं बन सकती। लेकिन यार वीडियो अच्छा था, मजे का वीडियो था, हमें आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक इनको अच्छी लगी वो कार्डमम टी थी, मैंने जितने इन्होंने शुरू में गोल्डन पर्ल के प्रोडक्ट स्किन केयर के ट्राई किए वो मैंने आज तक खुद भी नहीं ट्राई किए, तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ। उसके बाद क्योंकि मैं मैंने आपको शायद पहले भी एक वीडियो में बताया था, मैं खुद इंडियन प्रोडक्ट ही यूज़ करता हूँ। दूसरी चीज़ इन्होंने मतलब एक ही चीज़ इन्होंने अच्छी बताई चाय की, और वो भी मैं एक बात बताऊँ, नेस्ले की जो इन्होंने पिंक टी कही थी ना, वो पिंक टी जो आप अगर नेस्ले के अलावा लो ना तो वो शायद ज़्यादा अच्छी मिलेगी। वो उसमें उन्होंने सही कहा था कि शुगर भी काफी कम होती है और बाकी भी को कॉम्बिनेशन इतना मजे का नहीं है। वैसे पिंक टी जो शादियों में बनती है इधर स्पेशल बनाई जाती है, उसमें पिस्ता बादाम और इस तरह की चीजें डाल के यार वो बहुत मजे की होती है। बट ये फ्रेश अप ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खाई जाती है, और कनौर की नूडल्स हो गई वो खाई जाती हैं। बाकी पाकिस्तान के पास बहुत वैरायटी ऑफ स्नैक्स हैं जिसमें बहुत किस्म की दाल मोट्स हो गई हैं। सबसे मेन यहाँ की दाल मोट बहुत अच्छी होती हैं, यहाँ का जो चेवड़ा कहते हैं स्लिम अच्छा था, हाँ स्लिम बहुत अच्छा होता है। और स्लिम भी आपने मायो वाला खाया, जो हमारे स्पाइसी स्लिम होते हैं उसकी बहुत अलग है, तो वो एक हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खाई जाने वाली चीज है और काफी ज्यादा यहाँ पे पॉपुलर भी है। और खास करके हमारे यहाँ निम्को वगैरह बहुत ज्यादा पॉपुलर है, यहाँ पे खुद बनाई जाती है वो और यहाँ पे बहुत ज्यादा खाई जाती है। और चाय इन्होंने ट्राई की, एक तो नेस्ले की ट्राई की, चलो वो तो फिर भी ठीक थी और वो टेस्ट भी काफी अच्छी है। बट एक जो पिंक चाय इन्होंने, वो भी नेस्ले का ही था लेकिन वो कश्मीरी चाय, कश्मीरी चाय है, और उसको बनाने का एक बिल्कुल अलग प्रोसेस होता है। इन्होंने वो रेडीमेड वाला आइटम ट्राई किया क्योंकि वो वहीं से वो ही मिला होगा, बट यहाँ की जो कश्मीरी चाय होती है उसका जवाब हमारे। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और भाई इंडियन भाई ने जो है पाकिस्तान के इतने सारे प्रोडक्ट ट्राई किए हैं, तो अब आप लोग बताना भाई कि कौन सा बाकी ना, आप टेस्ट कर रहे थे भाई ना, मैं टेस्ट कर रहा था, वो तो इंडियन भाई टेस्ट कर रहा था तो वही बता सकता है कैसा है। तो ऐसे बाकी पाकिस्तान लोगों के रिव्यू आप लोगों ने देखा ही है कि उन्होंने क्या बोला है। तो पाकिस्तान के भाई हो सकता है कि जो एक्सपोर्टेड सामान होते हैं, जैसे कई इसमें बंदे बोल रहे हैं कि हमारे हमने यूज़ नहीं किया या हमने देखा नहीं है, तो कई बार क्या होता है कि कंट्री जैसे अभी यूएई वगैरह में सिर्फ वो स्टोर के लिए ही बनाए जाते हों तो सिर्फ बाहर ही एक्सपोर्ट करते हों, तो ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कुछ जैसे कि कई चीज़ें होती हैं एक रीजन में होती हैं एक रीजन में नहीं होती, तो उस टाइम में हो तो भाई ये दुबई से परचेज करके लाए थे ये जो है इंडियन आइटम्स, और ये ऐसे की वीडियोज़ बनाते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को भाई वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ऑडियो जंगल।